हेलो, वेलकम टू कैरियर पॉइंट कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लिविंग वर्ल्ड। तो आप सबको पता है कि ये जो पूरी दुनिया है इसके अंदर आप यदि चीज़ों को डिफरेंशिएट करें तो दो तरह की चीज़ें आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली देखने को मिलती हैं, या तो वो है लिविंग और या वो है नॉन लिविंग। इन दो चीज़ों में ही ये पूरी दुनिया बटी हुई है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे दिमाग में कि ऐसा क्या है कि चीज़ों को जो लिविंग की प्रॉपर्टी है वो उनको मिल रही है, और ऐसा क्या है कि कुछ चीज़ों को नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी उनको मिल रही है। या इस बात को मैं दूसरे ढंग से बोलूं तो ऐसा क्या है लिविंग के पास में जो कि उसको लिविंग बना रहा है। तो इस चीज़ में जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं वो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लाइफ के बारे में कि लाइफ क्या है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप उसको देख के ये बता नहीं सकते कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोब्स के बारे में यदि किसी एक इंसान को, नॉन साइंटिफिक इंसान को यदि पूछा जाए तो वो ये देख के नहीं बता सकता कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हम यदि किसी को भी डिफाइन करना चाहते हैं तो कुछ टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। इसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के अंदर जो सबसे पहली चीज आई है वो है आपका लाइफ, कि लाइफ क्या है। तो व्हाट इज लाइफ? लाइफ को यदि मैं टेक्निकली बात करूं तो इट इज द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय प्रोटोप्लाज्म के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली एक गुण। तो सवाल ये उठता है, ये प्रोटोप्लाज्म ऐसा क्या चीज कर रहा है जिसके वजह से लोगों के अंदर लाइफ जो है ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो लाइफ की जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी प्रोटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी है। तो सवाल ये उठता है कि प्रोटोप्लाज्म, देखिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में यदि हम बात करें तो प्रोटो जो प्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म के बहुत सारे कंपोनेंट है। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या है एक्चुअली? इट इज द लिविंग, इट इज द लिविंग मटीरियल, या इसको बोलूं द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द सेल। ठीक है, लिक्विड कंपोनेंट ऑफ सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। फिर सवाल एक और उठता है, ये प्रोटोप्लाज्म में है क्या? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करें यदि हम, इस प्रोटोप्लाज्म के कॉन्स्टिट्यूएंट है शुगर है इसके अंदर लिपिड या फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसके अंदर यदि आप बात करोगे तो वाटर का कंटेंट भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स है, विटामिन्स भी इंक्लूडेड है। तो सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण कि ये प्रॉपर्टी निकल के आ रही है? कुछ तो होगा इनके पास में। या क्या वो शुगर के कारण ये प्रॉपर्टी है? क्या वो फैट के कारण ये प्रॉपर्टी है? क्या मिनरल के कारण प्रॉपर्टी है? क्या वाटर के, किस चीज़, इनमें से कौन सी चीज़ है? तो इसका जवाब जो है वो हमें मिलता है एनसीईआरटी की कुछ लाइंस में। जो साइंटिफिक रिसर्च हुई उसकी जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है कि द फंक्शन ऑफ सेल, ध्यान से सुनिएगा, द फंक्शन ऑफ सेल इज ड्यू टू द रिजल्टेंट, ड्यू टू द रिजल्टेंट ऑफ इंटरैक्शन अमंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उन कंपोनेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके आपस का इंटरैक्शन का जो रिजल्ट है वो जो है वो किसी भी चीज का फंक्शन है, किसी भी सेल का फंक्शन है। ऐसे ही ये बात टिश्यूज के लिए भी लागू होती है। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं लाइफ प्रॉपर्टी जो ये प्रोटोप्लाज्म शो कर रहा है, एक्चुअल में ये जो प्रोटोप्लाज्म शो कर रहा है वो सभी किसका है? वो सभी इनका, जो ये सब है, इनके इंटरैक्शन के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है लाइफ।
तो अब ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर हम ये देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप के हम क्राइटेरियाज यूज कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए। और या मैं इस बात को दूसरे ढंग से कहूं तो हम ये बोल रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि किस किस चीजों का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो शो कर रहा है, किन किन चीजों को शो कर रहा है जो सिर्फ एक लिविंग ही कर रहा है। इसी चीज पे हमने क्या किया, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की और हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम दो पार्ट में बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रॉपर्टीज जो है हमारी दे आर ऑफ टू टाइप। सबसे पहली है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एक हमारी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो दो तरह की चीजें हमारे पास, एक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और एक है हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में हमने ये प्रॉपर्टीज ली हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो इनमें क्या है ध्यान से सुनिए। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि विच इज शोन बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों शो करें इसको, या विच, या आप ये बात भी बोल सकते हो इसमें कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि दोनों शो करें या और नॉट शोन बाय ऑल लिविंग्स, सारे के सारे लिविंग्स जो हैं इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। लेकिन अब कंडीशन ये आती है कि किस तरह से चीजें अब डिफाइन होंगी, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ली है जिसको हम कह रहे हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का जो काम है वो क्या है, इट हेल्प टू डिफाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यह है कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसका एक्सेप्शन हो सकता है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का किसी भी तरह कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी है। तो अब हम हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे या हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके बारे में यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रोथ के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे, हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, अब ये हमारी स्टडीज के बारे में मैं बात बता रहा हूँ आपको, है ना। तीसरी चीज जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो देखेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, और मेटाबॉलिज्म के बाद में हम लोग देखेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो उसके बारे में हम देखते हैं। हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है आपकी ग्रोथ, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहती है ग्रोथ के बारे में, एनसीईआरटी कहती है कि इंक्रीज, ध्यान से सुनिएगा, इंक्रीज इन सेल नंबर एंड मास, सेल का नंबर या मास का बढ़ना ये ग्रोथ है। बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ सेल का नंबर और मास का बढ़ना ही ग्रोथ है? जी नहीं, लेंथ का बढ़ना भी ग्रोथ है, लेंथ में यदि बढ़ोतरी होगी तो भी ग्रोथ है, वॉल्यूम का इंक्रीज होना भी ग्रोथ है, सरफेस एरिया का बढ़ना भी ग्रोथ है। तो एक प्रॉपर्टी को लेके आप ग्रोथ को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है सेल नंबर और सेल मास का इंक्रीज होना ही ग्रोथ है। तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, तीन तरह के, मैं टोटली ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं। एक हमारे पास है प्लांट्स जो कि अलग तरह की ग्रोथ शो करते हैं, एक हमारे पास है एनिमल्स जो अलग तरह की ग्रोथ दिखाते हैं, और एक हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये देखिए, ये तीन चीज़ें हैं
जिनकी ग्रोथ पैटर्न को हमें पढ़ना है। तो हमारे पास पहली जो चीज़ है वो है प्लांट, दूसरी जो चीज़ है वो है एनिमल, और तीसरी जो चीज़ है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि किस तरह से ग्रोथ शो कर रहे हैं, किस तरह से क्या चीज़ होगी, ये अपने आप में बहुत देखने वाली बात है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ प्लांट्स के बारे में। देखिए, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो है ओपन टाइप की ग्रोथ। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है इसका। ओपन टाइप की ग्रोथ का मतलब है कि पूरी जिंदगी ग्रो करते रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, प्लांट का एक तो शूट और रूट, इन दोनों के जो एपेक्स पार्ट है सिर्फ ये ही ग्रो करते हैं, है ना। मेनली यदि आप बात करेंगे तो सिर्फ यही दो पार्ट है जो कि इनके ग्रो करेंगे। तीसरी चीज जो हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर आपने देखा है कि लाइफ टाइम ग्रोथ है, रूट और शूट ग्रो कर रही है, इसी का जस्ट उल्टा एनिमल के अंदर है। एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड टाइप की ग्रोथ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी लाइफ टाइम ग्रो नहीं करता, पूरी जिंदगी का, पूरी लाइफ का एक स्पेसिफिक जो एक पार्ट होता है उसी के अंदर वो ग्रो शो करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक बच्चा जो है पहले छोटा होता है, धीरे धीरे से बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ता है कब तक? एक एज होती है। मान लीजिए आप 18 से 20 साल के, अमूमन यदि मैं जनरल बात करूं तो तब तक ही वो ग्रो करेगा, उसके बाद में वो ग्रोथ शो नहीं करता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये इस तरह की क्लोज टाइप की ग्रोथ है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल, ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल ग्रोथ को शो करता है। जिस हिसाब से आपके हाथ बड़े हैं उसी हिसाब से आपका थोरैक्स रीजन बढ़ेगा, आपका हेड बढ़ेगा, हाथ पैर, पैरों की लेंथ बढ़ेगी। ये सभी प्रोपोर्शनल में चलता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो एपेक्स पार्ट है, जो पैर बढ़ गए और सर बढ़ गया, लेकिन पूरा का पूरा जो बॉडी है वो छोटा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, चलिए एनिमल्स के बारे में देख लिया, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देख रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका साइज या तो 10^-6 माइक्रोमीटर के बराबर है या 10^-6 माइक्रोमीटर से कम है, या तो बराबर है या उससे कम है, ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनको हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब सवाल ये उठता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, किस तरह के ग्रोथ शो करते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है हमें। ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम है ना, इसका क्या काम होता है? ये वो मीडियम है जो कि क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कब के लिए? जब ये ग्रो करेगा आर्टिफिशियली। इस वाले एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम क्या करेंगे, हम ये न्यूट्रिएंट मीडियम लिया हमने और इस न्यूट्रिएंट मीडियम को हम थोड़ी देर एक्सपोज करेंगे यहाँ के एटमॉस्फेयर में, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें सेटल डाउन होगा। अब हमने इस ट्यूब प्लेट को बंद कर दिया, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और जो भी कंडीशन ऑप्टिममली ग्रोथ के लिए चाहिए हम उसको प्रोवाइड करेंगे। जब ऑप्टिमम कंडीशन या ऑप्टिमम टेम्परेचर जो भी हमें देना है वो हम प्रोवाइड करेंगे, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये 10^-6 माइक्रोमीटर एक बहुत छोटा साइज है। इतने छोटे साइज का जो ऑर्गेनिज्म है वो नेकेड आई से कभी भी नहीं दिखेगा आपको। तो अब इस तरह का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नेकेड आई से नहीं दिख रहा है वो आपको दिखेगा जरूर, लेकिन कब दिखेगा? वो दिखेगा कॉलोनियल फॉर्म में। ठीक है, जब कॉलोनियल फॉर्म होगी तो ये विजिबल हो जाएगा इजिली। और इस कॉलोनी का, ध्यान से सुनिएगा, ईच कॉलोनी जितनी भी चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो हैज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब मैं इसके बारे में बता दूं, ठीक है, टेक्सचर या प्रॉपर्टी, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। हम ये बात कर रहे हैं कि यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी पिन पॉइंट कॉलोनी है, या माइकोप्लाज्मा के बारे में हम बात करें, माइकोप्लाज्मा इज ए यू नो बैक्टीरिया, और ये जो यू बैक्टीरिया है इसके अंदर खासियत क्या है कि जब इसको न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर उगाया जाता है तो ये फ्राइड एग लाइक कॉलोनी देता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि आप इसकी स्पेसिफिक कॉलोनी का कैरेक्टराइजेशन और आपको सब कुछ पता है कि ये फ्राइड एग लाइक कॉलोनी देगा, यदि कहीं से किसी सैंपल में
फ्राइड एग लाइक कॉलोनी का फॉर्मेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक्चुअल में माइकोप्लाज्मा है। तो ये जो ईच कॉलोनी का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, ये किस में करता है, ये हेल्प करता है, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन में यूजफुल है। तो ये हमने देखा तीन डिफरेंट टाइप के ग्रोथ का पैटर्न। बट सवाल ये आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आता है हमारे दिमाग में वो ये आता है कि क्या ये ग्रोथ जो है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन के बारे में। ठीक है, एक्सेप्शन, नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो, ध्यान से सुनिएगा, नॉन लिविंग ऑल्सो शोज ग्रोथ। अब इसका एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है सरफेसेस। कोई भी सरफेस हो, ये मान लीजिए ये एक सरफेस है, इसके ऊपर धीरे धीरे से मिट्टी यदि जमेगी या किसी भी चीज़ का डिपोजिशन होगा तो ये ग्रो शो करेगी, इसके इंक्रीज होगा। सरफेस ड्यू टू डिपोजिशन, पहली चीज। दूसरी चीज, सरफेस के अलावा यदि मैं बात करूं तो सैंड ड्यून्स के बारे में आपने सुना होगा, ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं मिट्टी के टीले, ये भी क्या करते हैं, ग्रो शो करते हैं। साथ में सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है माउंटेन्स, ये भी तो ग्रो शो कर रहे हैं। तो सवाल एक ही आता है हमारे दिमाग में कि भाई जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो शो कर रहे हैं तो क्या ये ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? अब आप बोलोगे कि ये जो ग्रोथ है इसका जब एक्सेप्शन है तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह यूज में नहीं आती है। अब वापस एक सवाल उठता है कि यार ये भी ग्रोथ शो कर रहे हैं नॉन लिविंग भी और लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो देखिए, हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, और ग्रोथ हमने डिवाइड कर दिया दो टाइप से। ठीक है, एक तो लिविंग ग्रोथ शो कर रहे हैं और एक कर रहे हैं आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ। तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है ना बच्चों, ये इंट्रेंसिक अंदर से, ठीक है, इंट्रेंसिक और इरिवर्सिबल ग्रोथ शो करते हैं। एक बार ये बढ़ गया साइज में, फॉर एग्जांपल एक बच्चे की हाइट बढ़ गई, अब उसकी हाइट कम नहीं होगी, जितनी हो गई है उतनी ही रहेगी। तो ये इंट्रेंसिक अंदर से होने वाली ग्रोथ है, ऐसा नहीं होता कि रोटी को ऊपर चिपका लो आप तो आपको ग्रोथ हो जाएगी, नहीं, आपको उसको खाना पड़ेगा, फिर वो अंदर जाके डाइजेस्ट होगी, मेटाबोलाइज होगी, मेटाबोलाइज होके जो मटेरियल है वो आपकी अलग अलग सेल्स तक पहुंचेगा और फिर सेल ग्रो करेंगे। तो इंट्रेंसिक और इरिवर्सिबल ग्रोथ तो लिविंग शो करते हैं, लेकिन यदि आप बोलोगे नॉन लिविंग की तो एक्सट्रेंसिक और रिवर्सिबल जो ग्रोथ है वो ये शो करते हैं। एक्सटेंसिक क्यों करते हैं ये? क्योंकि सरफेस या ऊपर जो डिपोजिशन है उसकी वजह से ही ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो क्राइटेरिया था वो हमने कर लिया कि जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रही है और क्या है। अब मैं एनसीईआरटी के कुछ लाइंस के बारे में बात करूँगा, और ये एनसीईआरटी जो है इसकी कुछ लाइंस हैं इनके लिए कि ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी ये कहती है कि द फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनिएगा, फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या आप इसको बोलो फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर है, ऐसों के केस में क्या होगा? फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ, ध्यान से सुनिएगा, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं, इसका मतलब क्या है, यहां पे एक टर्म आ गई, देखिए इंक्लूसिव इवेंट, ये टर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है ये टर्म, ये देखेंगे हम लोग कि इंक्लूसिव इवेंट क्या होती है। और इसी का दूसरा जो सेंटेंस है वो ये है, फॉर मल्टी सेलुलर, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
ठीक है, ये दो टर्म हम लोगों ने देख ली, म्यूचुअली इंक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आप देखना इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। देखिए सबसे पहला जो कमेंट है वो हम पढ़ते हैं, ये चीज़ है इंक्लूसिव इवेंट के बारे में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दिस वन इज एन ऑर्गेनिज्म, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक बैक्टीरिया था, और ये डिवाइड हुआ, और ये डिवाइड होने के बाद दो में डिवाइड हो गया। तो क्या यहाँ पे इंक्रीज इन सेल नंबर हुआ है? बिल्कुल हुआ है, सेल दो नंबर में हो गया। क्या मास भी बढ़ा है सेल का? बिल्कुल बढ़ा है ना, एक सेल था वो पहले बड़ा हुआ और दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या ये ग्रोथ है, या आप इसको रिप्रोडक्शन बोलोगे? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब एक ही चीज़ है। लेकिन आप जैसे हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे सेल्स जो हैं ये डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं, ये एक पैटर्न है ग्रोथ का, ठीक है। और सेल क्यों डिवाइड कर रहा है? सेल डिवाइड कर रहा है या तो रिपेयर करने के लिए या ग्रो करने के लिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हो गया हमारा, जो पहली प्रॉपर्टी थी वो हमने कर ली है, दैट इज़ ग्रोथ। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ना चाहूँगा, और सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या रिप्रोडक्शन आप टर्म लीजिए, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरह की प्रॉपर्टी है। देखिए रिप्रोडक्शन एक ऐसी, ये क्यों, सबसे पहले व्हाट इज अ प्रोसेस? इट इज ए प्रोसेस, ध्यान से सुनिए, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस, नई ऑफस्प्रिंग उगाने के लिए ये जो प्रोसेस है ये है रिप्रोडक्शन। क्यों कर रहा है ऑर्गेनिज्म? इंपॉर्टेंस क्या है? टू मेंटेन देयर रेस, अपना नंबर सही रखने के लिए, ठीक है, अपना नंबर सही रखने के लिए, अपनी जो पूरी प्रजाति है उसको बचाने के लिए रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए जैसे प्रिमिटिव पहले के बारे में बात करूं, जब अर्थ का एवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आया वो था एसेक्सुअल मोड, और दूसरा जो आया वो था आपका बाद में जो एवॉल्व हुआ है वो है सेक्सुअल मोड। तो ज़्यादा कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एसेक्सुअल जो है इट इज़ ए प्रोसेस जिसके अंदर एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, यूरीपेरेंटल मेथड है। लेकिन यदि सेक्सुअल के बारे में बात करें तो इट इज़ यूनिपेरेंटल एज वेल एज बाईपेरेंटल। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा हो सकता है कि दोनों गैमेट एक ही पेरेंट के हो, इसलिए मैंने वहाँ पे सेक्सुअल के अंदर यूनिपेरेंटल भी लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, बट गैमेट्स मे बी फॉर्म्ड। ऐसा हो सकता है कि गैमेट का फॉर्मेशन हो, लेकिन सेक्सुअल में तो बनेंगे ही बनेंगे, ऑलवेज हमेशा यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यदि आगे हम बात करें, यहाँ पे मान लीजिए गैमेट बन गया है, बट यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो फर्टिलाइजेशन इवेंट कभी नहीं होगा, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, वो हमेशा फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में यदि हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको पता है कि नई जो है चीज़ें निकल के आती हैं, नई कॉम्बिनेशंस बनती हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पे वेरिएशन के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वेरिएशन यहाँ पे एब्सेंट होता है, और यहाँ पे यदि आप बात करेंगे तो वेरिएशन क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशन प्रेजेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वेरिएशन यहाँ पे नहीं है, तो जो कंप्लीट ऑफस्प्रिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, पूरी जो ऑफस्प्रिंग है, ये जो ऑफस्प्रिंग बनी है ये मॉर्फोलॉजिकली, है ना, मॉर्फोलॉजिकली दिखने में और जेनेटिकली सिमिलर हैं, और इस तरह की जो जेनेटिकली सिमिलर और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर जो ऑफस्प्रिंग होती है उसको हम एक टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोन, ठीक है, एसेक्सुअल के अंदर। और इसका जो ईच ऑर्गेनिज्म या ईच इंडिविजुअल जो होता है,
ईच इंडिविजुअल को हम कहेंगे रैमिट। ये कुछ टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं इसके लिए। जबकि यदि आप सेक्सुअल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि ऑफस्प्रिंग्स डिफरेंट होती हैं आपस में भी। ऐसा नहीं होता कि जेनेटिकली आइडेंटिकल जो ट्विंस हैं उनको छोड़ दो आप, ऑफस्प्रिंग आपस में भी अलग हैं और पेरेंट के साथ भी बिल्कुल डिफरेंट है, है ना, कोई सिमिलरिटी नहीं होगी उसमें। तो ये ऑफस्प्रिंग के बारे में हम यदि बात करें तो इस तरह की होती है। ये वाला जो प्रोसेस है जिसको हम कह रहे हैं एसेक्सुअल मोड, ये जो एसेक्सुअल मोड है, दिस मोड इज फास्ट एज वेल एज सिंपल, वेरी दिस इज वेरी सिंपल मेथड। बट लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे सेक्सुअल के अंदर, तो सेक्सुअल का जो मेथड है ये बहुत स्लो है, एलैबोरेटेड है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये इसीलिए नेचर में जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेक्सुअल में है। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, एसेक्सुअल के बहुत डिफरेंट टाइप के मेथड है जो कि हम लोगों को पढ़ने हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बाइनरी फिशन, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बडिंग, जैसे आप लोगों ने सुना होगा फ्रेगमेंटेशन, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक और टर्म आती है रीजनरेशन। किस तरह से डिफरेंस है ये हम देखेंगे। बट सवाल ये उठता है क्या सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? सबसे पहले हम लिविंग के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं। नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करता, कोई सा भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? इसका मतलब है कि सारे लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं? इसका नहीं, ये रिप्रोडक्शन के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शंस के बारे में यदि मैं बात करूं, ध्यान से सुनिए, एक्सेप्शन के बारे में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है आपका स्टराइल वर्कर बी। ठीक है, ये जो स्टराइल वर्कर बी हैं ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते। दूसरा स्टराइल म्यूल हाइब्रिड, ये भी कभी अपने पूरे लाइफ टाइम में रिप्रोड्यूस नहीं करता। और तीसरा, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये वो एक्सेप्शंस हैं जो कि ये बताते हैं कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो हमने दो तरह की चीज़ें पढ़ ली, एक तो ग्रोथ पढ़ा, वो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी, और रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, थैंक यू।